असत्य कहकर आप इस महल को अपवित्र कर रही है। मैं जानता हूँ आप यही मानती है कि आपके पुत्र की स्थिति मेरे कारण है। जब अदिति माँ की तपस्या की रक्षा करने के लिए मैं अपने प्राण दांव पर लगा सकता हूँ, तो मैं उस व्रत को भंग करने का प्रयास क्यों करूंगा जिससे हाई, मैं फैजल खान और आप देख रहे हैं मुझे टेली रिपोर्टर पर। आज धर्म योद्धा गरुड़ के शो पर आए हैं टेली रिपोर्टर के लोग और हम आज जो सीन शूट कर रहे हैं उसमें माँ के साथ मैं साफ़ सफाई में हेल्प कर रहा हूँ, बट कहीं एक जगह पर हमें मुर्गी की हड्डी मिल जाती है तो वो काफ़ी गलत होता है किचन में, क्योंकि हमारे घर में पूरे महल में पूजा होने वाली, व्रत रखे जा रहे। सो अभी शायद हो सकता है हमें दंड भी मिले या कुछ भी हो सकता है, तो बस माँ मुझे कह रही है जल्दी से इसे फेंक के आ जा, मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो हम यही सोच रहे हैं कि वो आई कैसे, किसने रखी। तो मैं माँ को बता रहा हूँ कि माँ मैंने वो चीज़ नहीं खाई है। तो माँ कहती है आई नो यू मेरे बच्चे। माँ को मैं बर्तन धोता हुआ, मतलब आप लोग ने जो देखा बर्तन धोते हुए, तो मैं माँ का हाथ बटा रहा हूँ। बेसिकली माँ किचन में बर्तन धो रहा हूँ, ये मैं अपने रियल लाइफ में भी करता था कभी कभी, बट अभी नहीं करता क्योंकि मुझे करने ही नहीं देते। बट यहाँ पर आप देखोगे इस शो में तो बहुत एक इमोशनल कहानी आने वाली है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। माँ और गरुड़ की बहुत इमोशनल स्टोरी आएगी और वो ऑब्वियसली एक सिचुएशन ही ऐसी होगी जिसे आपको शायद रोना भी आ सकता है। बस एक हिंट दे सकता हूँ कि गरुड़ पूरी कोशिश में, आज तक आपने प्रोमो से लेकर अब तक देखा होगा कि माँ को दासता से मुक्त कराने जा रहा है, बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद गरुड़ खुद भी दास बन जाए। बस मेरे चाहने वालों को मैं बोलना चाहता हूँ आई लव यू ऑल, और ऐसा ही चाहते रहो, प्यार करते रहो और खुश रहो अपनी लाइफ में, ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का और मेरा भी। थैंक यू। आपने महाराणी को क्यों नहीं बताया? क्यों हमारे सबसे इस समय मेरा सारा धन इस पत्नी के साथ बनाना।